फ्रॉम हिमचूरिया और मेलिना और हेमेटोकेसिया, हेमेटोकेसिया मीन फ्रेश ब्लड इन दी स्टूल। ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के आगाही प्रोग्राम अरेंज करती है, इवेंट्स करती है, जिसको हम कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन के नाम से कहते हैं। उसमें जो अभी आज जो यहाँ हमने प्रोग्राम किया है शेख जैद हॉस्पिटल में, ये डेंगू के हवाले से है और एचआईवी के हवाले से है और जो है प्रेगनेंसी की दूसरी जो दीगर जो बीमारियाँ होती हैं प्रेगनेंसी में, या जो ये लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके हवाले से ये आगाही हम प्रोग्राम अरेंज करते हैं। तो इसमें हमारे कराची से आगा खान के डॉक्टर्स आते हैं और उस पर लेक्चर डिलीवर करते हैं, लेक्चर देते हैं डॉक्टर्स के लिए। जो नए डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर होते हैं, उसमें हम जो है उनके नए अपडेट्स जो हैं किसी भी बीमारी के हवाले से जो नई रिसर्च होती है वो हम उनको बताते हैं। एक्चुअली ये जो है ना एक्टिविटीज़ हम शेख जैद में कराते रहते हैं, दिस इज़ इन अ टीचिंग इंस्टीट्यूट, और इस दफ़ा आगा खान के तावन से हमने ये जो है ना सी एम ई करवाई है, कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन, जिसमें डॉक्टर आफिया जफ़र हैं, डॉक्टर उस्मान शेख हैं और मैंने खुद एच आई वी जो आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो आउटब्रेक हो गया है लारकाना में और उनके पेरीफ्री में, उसके हवाले से जो एहतियातें हैं, जो चीज़ें हैं उसको हमने डिस्कस किया, और जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन है किस तरह से हमें एहतियाती तदाबीर करना चाहिए, डेंगू फीवर है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे हो रही हैं किस तरह से उनका इलाज मुआवजा होना चाहिए, किस तरह से एहतियाती तदाबीर और किस तरह से डॉक्टर्स खुद को बचाएँ और डॉक्टर पेशेंट्स को बचाएँ, इन सारी चीज़ों पर हमने जो है ना वो वाइड डिस्कशन किया और उस तरह से जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स को और अपने जो है ना डॉक्टर्स को उस तरह से मालूम फराहम किए हमने प्रोग्राम। ठीक है, मैं तो आगा खान हॉस्पिटल से आया हूँ और मैं खून की बीमारियों का डॉक्टर हूँ। तो हमारा ये था कि अब खून में जैसे सुरख ज़रात होते हैं इसी तरह से सफ़ेद ज़रात होते हैं, उन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं। जैसे अभी नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स कम हो गए, आपने सुना होगा डेंगू में कम हो जाते हैं प्लेटलेट, इसी तरीके से हमले के दौरान भी प्लेटलेट कम हो जाते हैं। तो उसकी वजूहत क्या है और उसका इलाज क्या है, तो उस सिलसिले में यहाँ पर आए थे क्योंकि ये ख़वातीन का हॉस्पिटल है और सारी ज़्यादातर ख़वातीन वो होती हैं जो यहाँ पे जो आती हैं वो प्रेगनेंसी के सिलसिले में और हमल के सिलसिले में आती हैं, तो उनको ये इशू भी आ सकता है जो मैंने बताया प्लेटलेट की कमी का, तो उसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। तो बहुत सारे ट्रेनिंग भी है, ट्रेनिंग हो रही है डॉक्टरों की, उस सिलसिले में यहाँ पर हमने फिर यहाँ पर अपनी टॉक दी थी। व्यूज़ आपका याना है और जिस हवाले से किया उसी हिसाब से जी मैडम, ये जो आपने सेमिनार रखा है इस हवाले से आप क्या? ये सेमिनार हम लोगों ने शेख जैद हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के साथ मिलकर किया है और इसका बुनियादी मकसद ये था कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर और जो लोग हैं डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, इन लोगों के दरमियान में इस बात की आगाही देना कि बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जैसे इन्फेक्शन है, ये एच आई वी है, टाइफॉइड है, डेंगू फीवर है, ये सब के बारे में लोगों को बताना, इसको किस तरह मैनेज करें, मरीज़ अस्पताल में आता है उसको किस तरह उसका इलाज किया जाए। डॉक्टर उस्मान आए थे, उन्होंने ब्लड में एक सेल होता है प्लेटलेट, उस प्लेटलेट के हवाले से जो कमी हो जाती है प्रेग्नेंट लोगों में उसके लिए कुछ लोगों को बताया है कि उसको किस तरह से देखना चाहिए।